Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Good evening to everyone. Good evening. Good evening. Good evening. A very good evening to everyone. कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे. यस, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है? यस और नो? जल्दी से एक बार मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ. यस, वेलकम टू बैंक प्रो यूट्यूब चैनल. आप सभी का स्वागत है. मैं राजकुमार सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ. फटाफट से आ जाइए सभी बच्चे. ओके, क्या है, चलिए वॉइस सभी को आ रही है, एक बार कमेंट कर दो, क्या वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है? यस, वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है? यस और नो? यस, चलिए तो स्टार्ट करेंगे अपना सेशन. थोड़ा सा केवल 15 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ सभी बच्चों को, आ जाए. ओके, चलिए शुरुआत करेंगे अपने सेशन की. पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. आई होप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया. चलिए, मैंने आप लोगों को अभी तक जो चैप्टर, हालांकि आज प्रॉफिट लॉस की बारी थी, लेकिन क्या पिछले 2-3 दिन से थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से ये थोड़ी क्लासेस का डिस्टर्बेंस हो रहा था, बट कोई इशू नहीं. एंड चलिए स्टार्ट करेंगे अपना सेशन. उससे पहले छोटी सी बात कि 24 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, टॉप एजुकेटर्स बैच. आप इन सभी को एनरोल कर सकते हो अगर आप प्लस स्टूडेंट्स हैं. ओके, बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं उनका बैचेस हैं. एक्सीलेटर बैच स्टार्ट हो रहा है एसबीआई क्लर्क के लिए 24 मार्च के लिए. ओके, 24 मार्च से रन विजय सेट बैच स्टार्ट हो रहा है 24 मार्च से. ये रन विजय बैच है. ओके, सेट के लिए. उसके अलावा टारगेट एसबीआई पीओ हो गया, टारगेट आईबीपीएस पीओ हो गया 2021. फाउंडेशन बैच फॉर ऑल एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम, सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 24 से. इन सभी को आप एनरोल कर सकते हो फ्री अगर आप प्लस स्टूडेंट्स हैं. जय श्री कृष्णा. ओके, वन मोर थिंग, जैसा मैं बताता हूँ, अगले हर संडे सुबह मॉर्निंग में 10 बजे एनरोल, सॉरी, कॉम्बैक का टेस्ट सीरीज होता है जो 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप देता है. आपके प्री एग्जाम, अपकमिंग बैंक एग्जाम को देख के ये टेस्ट सीरीज रखी गई है. तो अगर आप चाहे प्लस यूजर्स हो या ना हो तो भी आप इसको एग्जाम दे सकते हैं, सबके लिए फ्री है. इसको ज्वाइन कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसको एनरोल कर सकते हो. जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे इन्वाइट कोड मांगेगा, कोड मांगेगा आपसे, इनवाइट कोड या अनलॉक कोड. तो वहां पे आप कैपिटल लेटर में RJ10 लिख सकते हो, कैपिटल लेटर में RJ10 लिख सकते हो. याद रखिएगा कैपिटल लेटर में RJ10, देर गैप देना नहीं उनके बीच में, ठीक है. एंड रेफरल, आप सब्सक्रिप्शन का प्लान ले सकते हैं. आप किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन का प्लान लें तो आप रेफरल कोड में RJ10 यूज में ले सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. चलिए स्टार्ट करेंगे अपना सेशन. ओके, बाद में बात करेंगे कहाँ यूज में लेना है. गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है सबसे पहले अनअकैडमी पे जाके, और ये जो नीचे नीचे बॉटम में दिख रहा है आपको हैवी रेफरल कोड, यहाँ पे जाके आपको, यहाँ पे आपको हैवी रेफरल कोड में आपको लिखना है RJ10 कैपिटल लेटर में. याद रखिएगा कैपिटल, उसके बाद में आपको मंथ सेलेक्ट करना है. चलिए अब स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. ये अपना बैच भी स्टार्ट हुआ था. ओके, ये बैच स्टार्ट हुआ है अभी 2-3 दिन पहले. आप इसको भी एनरोल कर सकते हो अगर आप प्लस यूजर्स हैं. चलिए स्टार्ट करेंगे अपना सेशन. तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही रहा. जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि चलो गौर करना, देखो इस पे गौर करना है. क्वेश्चन पे पहले पे हमने अभी तक फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना सीख लिया, परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलना सीख लिया. चलो मैं एक छोटी सी बात जो मैंने उस दिन शायद अधूरी रह गई थी मेरी बात, मैं आप लोगों को बता देता हूँ. वो बात बता देते हैं. कौन सी? कि सर, फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को कहा 16:2/3%. यस, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? सर आप कहोगे 1/6. अब ये 1/6 आया तो एक बात मैंने कही थी आप लोगों को कि जो बटे में जो नंबर होता है ना, बटे में ये क्या होता है बच्चे, ये ओरिजिनल नंबर होता है. कोई भी, चलो इसको इसको छोड़ दो, एक बार इससे मत करो. तुम लोग थोड़ा इजी से समझो, इजी वाले से समझो, इजी नंबर से समझो. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 50%, 50% की फ्रैक्शन बोलोगे आप 1/2. यस, 1/2 बोलोगे. तो एक बात बताओ मेरे को
क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या इस टू की बोर्ड जो बटे में है इससे टू का 50% कितना होगा? इस टू का 50% आप कहोगे वन, तो क्या मैं देख पा रहा हूँ ऊपर लिखा हुआ है क्या वो? इट मीन्स सर यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, ये जो बटे में संख्या होती है ना, ये होती है ओरिजिनल नंबर्स या बेसिक नंबर, और इसका जो परसेंटेज होता है यहाँ पे कुछ भी हो बटे में, उसका जो परसेंटेज आप निकाल रहे हो ऊपर जो नंबर होगा ना, वो आपका परसेंटेज रिजल्ट होता है, परसेंटेज रिजल्ट। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में? कोई भी मान लो कोई भी वैल्यू, मैंने कहा 16:2/3%, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे 1/6, तो 6 का 16:2/3% कितना होगा बच्चे? वो 1 होगा। देखो जरा चेक करो, और वो ऊपर लिखा हुआ है। कोई भी वैल्यू उठा लो आप, कोई भी वैल्यू, इवन कोई भी वैल्यू उठा लो, मैं कहूँ आपको 170/1/7%, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर इसकी वैल्यू होती है क्या नाम है, 11:7। यस, अब 11:7, तो इस 7 का 157 सही 1/7% कितना होगा सर? 11। तो ये 11 कहाँ पे लिखा हुआ है? देखो ऊपर टॉप पे। कहने का मतलब बटे में जो संख्या होती है ना ओरिजिनल नंबर, उसका परसेंटेज का रिजल्ट जो होता है ना, वहीं ऊपर लिखा होता है। क्या ये बात सबको क्लियर होगी? कमेंट कर दीजिए अगर ये बात सबको क्लियर हो गई तो हम क्वेश्चंस पे चलें, यस और नो, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए अगर ये बात सबको समझ में आ गई हो तो, या अगर एक बार और रिपीट करनी तो बता दीजिए, जल्दी कमेंट करो फटाफट, यस और नो, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी जल्दी, कमेंट नहीं आया आपका? यस, सबको समझ में आ गया? पक्का श्योर? चलिए तो बढ़े आप क्वेश्चन पे, पक्का समझ में आ गया, या किसी को रिपीट करवाने की जरूरत नहीं है? चलो तो बहुत बढ़िया, यस, सभी बच्चों के कमेंट चाहिए मुझे। परदोन क्या बच्चे, क्या बोल रहे हैं बच्चा? परदोन, क्रिस्टल क्लियर? चलिए एक बार एक और देख लो। देखो कुछ भी वैल्यू उठा लो आप, कोई भी वैल्यू आपके हिसाब से, कोई भी, मैं कहूँ आप लोगों को 25% की, 20% की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे 1/5। अब जरा गौर करो, 5 का 20% कितना होता है? 5 का 20%, यानी पांचवा हिस्सा। तो 5 का 5वां हिस्सा कितना होता है? यानी 20% का मतलब पांचवा हिस्सा ही तो होता है सर, उसका पांचवा हिस्सा होता है 1। और क्या वो ऊपर लिखा हुआ है? यानी ऊपर जो लिखा रहता है वो परसेंटेज का रिजल्ट लिखा होता है बच्चे, ये परसेंटेज का रिजल्ट, और बॉटम में क्या होता है? ओरिजिनल नंबर। क्या बात समझ में आ गई सभी को? क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस और नो, इज दैट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। देखो समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो आपको क्या बोला गया, इफ 16:2/3% ऑफ ए नंबर, यानी कोई नंबर है, आपको कोई नंबर बताया, कोई भी, इवन कुछ भी मान सकते हो आप, 1, 2, कुछ भी एक्स मान सकते हो, इज एडेड, उसको एड किया। देखो नंबर का 16 सही 2% अगर उसी नंबर में एड किया जाता है तो वो 4,4956 बन जाता है। तो आपसे पूछा गया कि एक्चुअल में वो नंबर था कितना, वो था कितना जो ये इतना बन गया, बात समझ में आई? वो एक्चुअल में था कितना जो इतना बन गया, बिल्कुल मैं वापस से बेसिक से ले रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ध्यान समझना। पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि सर वो एक्स था, यस, अब उसने कहा कि एक्स का यानी इसी नंबर का इसी के अंदर जोड़ दिया जाए, कितना? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है बच्चे? आप कहोगे सर शो तो हो रहा है ना बच्चे, दिख तो रहा है ना, अरे दिख तो रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिख नहीं रहा? कमेंट करो, या ये दिखेगा, देख लेते हैं, कोई और दूसरा कलर लेते हैं, चलो दूसरा कलर, दूसरा कलर, दूसरा कलर, दिख रहा है था, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलो दिख रहा है, ठीक है, चलो समझ जाओगे। देखो मैंने माना कि वो नंबर एक्स था, यस, अभी वो नंबर एक्स था तो उस एक्स के अंदर, यानी इस एक्स का पहले मुझे इस एक्स का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ना है मुझे, ये लो सर 16 सही 2/3% इसी में जोड़ना है, और जोड़ने के बाद ये कितना बन जाता है सर? जोड़ने के बाद ये बन जाता है 4956। तो सर मैं ये कह सकता हूँ क्या, एक्स प्लस 16:2/3 की फ्रैक्शन क्या होगी? आप कहोगे 1/6, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स बाई सिक्स लिख सकता हूँ इसको, यस, फिर इधर अपने पास क्या आएगा, 4956, यस। अब यहां से निकालो तो क्या आ गया, मैं कहूंगा क्या कि सर 6 और 7x/6, ये आएगा आपके पास इक्वल टू 4956, क्या आपके पास यही आएगा? अब जरा काट दो इसको, 7 से काट दो, कितने आ गए, 7 7 जा 49, 0 8 5,
यस, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 708 इंटू 6 यानी 4248। क्या बात समझ में आ गई? ये तो था एक प्रोसेस जो आपको समझना है, हमेशा बेसिक हमने क्यों किया, ये कैसे करते हैं वो तरीका। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है, एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में हालांकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, पहले बता रहा हूँ, जस्ट ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ध्यान से समझना। मैंने अभी क्या बोला, 16:2/3 की क्या फ्रैक्शन कितनी होगी, आप कहोगे सर 1/6 होगी, यस। अब एक बात बताना, क्या मैंने ये कह रखा है कि 6 का 2/3% ऊपर है, यस और नो? ऊपर ही तो है, तो ये 6 हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं लेट ये वही नंबर है, हमने मान लिया कि 6 वही नंबर है, इस 6 को मैंने वो नंबर मान लिया, और इस 6 का 16/2 2/3% जो होता है वो 1 होता है, यानी 6 में मेरे मुझे एक जोड़ने पे यानी कितना हो गया 7 यूनिट, 6 में मुझे एक जोड़ने पे कितना, एक किसके बराबर है सर, 16:2/3 है भाई, 1 किसके बराबर है यहाँ पे, 1 किसके बराबर है बताओ मेरे को, अरे 6 का 16/2/3% कितना है यहाँ पे, 1 है, और ये इसी को ही तो जोड़ना है हमें, इसी को ही तो जोड़ना है, यही तो कहा इसने, इसी को तो हमें इस नंबर में जोड़ना है जिसको हमने माना कि मान लिया कि वो नंबर 6 था, यस हमने मान लिया कि वो नंबर 6 था, तो 7 बन जाता, हमारे अकॉर्डिंग तो वो 7 होना चाहिए, लेकिन हमें रिजल्ट में कह रहा है, हमारे अकॉर्डिंग तो वो 7 बनना चाहिए, लेकिन एग्जाम रिजल्ट में इसने क्या कह रखा है कि सर वो बन जाता है 4956। तो सर 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 708, यस और नो, कमेंट कर दो, क्या मेरी बात से सहमत हो? तो अब हमने माना क्या था, मैंने तो माना था कि वो नंबर 6 था, तो सर लो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गए क्या 4256, आ गए 4248। क्या बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, यस और नो, कमेंट फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या ये बात सबको समझ में आ गई, यस और नो कमेंट कीजिए फटाफट, अगर अच्छे से समझ में आ गया तो। चलो एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन को आंसर तुम खुद दो, खुद दो, चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर फटाफट से, देखते कौन फास्ट देता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, चलो आंसर दो सेकंड क्वेश्चन का। नहीं समझ में आया मोनिका जी, कैसे बात बनेगी बच्चे, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, आपको मतलब क्या चीजें समझ में आती है, मेरे को तो ये नहीं समझ में आया, चलो इस वाले को अच्छे से समझा देंगे, इससे और समझ लेना, ऐसा तो कुछ था ही नहीं उसमें। हमेशा याद रखो फ्रैक्शन की में, फ्रैक्शन किसी परसेंटेज का जो फ्रैक्शन होता है उसमें जो बटे की संख्या होती है वो, उसको आप ओरिजिनल नंबर मांगो, और उस ओरिजिनल नंबर का जो परसेंटेज की आपने वैल्यू लिखी है ना, उसका जो परसेंटेज का रिजल्ट है वो टॉप पे मिलेगा आपको। बताओ आंसर इसका, 6075, ओके 6075 बताया एस शर्मा ने, ओके और बस, और किसी ने नहीं देना आंसर इसका, 6075, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का, सभी बच्चों का, आई रिपीट 6816 6816, ओके बच्चे कॉमन सेंस की बात है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये, मतलब एक बात बताओ इज दैट पॉसिबल, देखना एक बार इस क्वेश्चन को देखना, आगे बढ़ेंगे, चलो ओके चलो चलो ओके ध्यान देना इधर, एक बात बताओ इस बार इसने क्या किया बच्चे, यदि किसी संख्या यानी मैंने माना कि वो कोई एक्स थी, एक्स का 6/2% उसी में से हमने घटा दिया तो हमें वो प्राप्त होता है, इस बार हमने घटाया है तो भाई 6/2/3% की वैल्यू कितनी होती है बताओ मेरे को, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताओ मेरे को, आप कहोगे 1/15, यस और नो, यस और नो कमेंट कीजिए। अब हमने वो मान लिया क्या कि वो नंबर जो है वो ये है, हमने मान लिया कि 15 है, 15 का 6/2% जो है उसमें घटा दिया तो हमें प्राप्त होते हैं, हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो 5670 होती है, यही बोला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो
तो 15 का 6/2% निकाले कैसे? सर निकाल तो रखा है, देखो ऊपर रहा इसका रिजल्ट, 15 का 6/2% कितना होता है? 1। अब मैं घटाऊंगा कि जोड़ूंगा? सर घटाऊंगा, इसने घटाने के लिए बोला है कि सर 15 में से, यानी 15 में से एक घटाओगे, क्यों? क्योंकि 15 का 6/2% यानी 15 का 6/2% होता है 1, इसको घटाने पे इतनी वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू आई है क्या है ऊपर, ये क्या है? ये परसेंटेज वैल्यू है, ये परसेंटेज रिजल्ट है। किसका परसेंटेज रिजल्ट है? 15 का 6/2% जो होता है वो 1 होगा, चाहे निकाल के देख लो। बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? बात समझ में आ गई? चाहे निकाल के देख लो। तो इसने यही तो कहा, तो 15 का 1/6/2% 1 होता है, ये घटा देंगे हम तो कितना बचेगा? 14। हमारे अकॉर्डिंग तो 14 बचना चाहिए, 14 यूनिट बचनी चाहिए, लेकिन हमें दिया कितना गया? इनके अकॉर्डिंग बनना चाहिए 5670, इनके अकॉर्डिंग बनना चाहिए 5670। तो बचे एक यूनिट के, एट यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? सर 14 से काट दो इसको, कितने आ गए? 14 14 28, 4 4 408 405 आ गए क्या? 405, 405। यस और नो 405 आ गया हमारे पास एक की वैल्यू। अब हमने नंबर वो माना क्या था भाई? हमने माना ही तो था, मानना कि वो 15 था, तो हमने माना ही तो था। तो एक्चुअल में होगा क्या? वो 15 × 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कमेंट करो। आ गया समझ में अब तो? अरे अब तो समझ में आ गया क्या? 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई कर दो 15 × 405, तो 6075। आई होप अब समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया? यस और नो? अब समझ में आ गया क्या? यस और नो? अब बताइए मोनिका जी, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार बोल सकता है, मैं एक और एग्जांपल, छोटे एग्जांपल से समझा सकता हूँ उनको, अगर किसी बच्चे को चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो कमेंट कर दो अगर किसी को नहीं समझ में आ रही तो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, जल्दी फटाफट कमेंट करो। ये आ गए सभी को समझ में? यस, चलो बहुत बढ़िया, बढ़े आगे, चले आगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, चलो देखो करो इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और, बिल्कुल ये लीजिए एक क्वेश्चन और, थर्ड वाले का लीजिए, थर्ड वाले का आंसर दीजिए। थर्ड वाले का दीजिए आंसर। थाउजेंड, देखो बच्चे, देखो ध्यान से देखो क्या बोला गया आपको। बच्चे एक बात बताओ, इज दैट पॉसिबल? कॉमन सेंस की बात है, आप किसी नंबर में, मान लो वो कोई नंबर कुछ भी मान लो, उसका 11 से 1/9% जोड़ रहे हो तो वो 900 हो रहा है, तो वो 1000 कैसे हो सकता है? थोड़ा सा सेंस तो रखते यहाँ पे, थोड़ा सा सेंस रखते कि सर वो 900 से ज्यादा कैसे जा सकती है, ये तो जोड़ने के बाद हमें मिला है 900, हमें तो एक्चुअल में वो निकालना है, वो जिसमें जोड़ने के बाद ये 900 बन रही है, हमें तो वो संख्या निकालनी है कि जिसमें कुछ ये जोड़ने पर 900 बन रहा है, तो 900 से ज्यादा कैसे हो सकती है बच्चे? 900 से ज्यादा कैसे हो सकती है? सोच के देखो आप, कैसे पॉसिबल है 900 से ज्यादा होगी? कॉमन सेंस की बात है, बात समझ में आ रही है? चलो ध्यान से समझो, देखो मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को ऐसे समझना, देखना एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, कैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी मान लो, एक स्टोरी के थ्रू एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, क्या बोला मैंने, देखना ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने बोला आपके पास 10 रुपीज थे, मैंने एक बात बताई, देखो कॉमन सेंस की बात थी, 10 रुपीज थे आपके पास। अब 10 पर 10 रुपीज का मैंने कहा, इस 10 रुपीज का 10% इसी में जोड़ दिया जाता है, 10% इसी में जोड़ दिया जाता है, तो एक बात बताओ ये ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा बताओ मेरे को, बताओ बताओ, ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? सर आप कहोगे ज्यादा बनेगा, क्योंकि 10 रुपीज आपने पहले कह दिया कि 10 रुपीज थे और उसका 10% यानी 1 रुपये। पेन चेंज करिए, ओके चलो पेन चेंज कर लेते हैं, यहां से समझो अच्छे से समझना इसको। मैंने आप लोगों को कहा, देखो ध्यान से समझना, 10 को छोड़ो आप, मैंने आप लोगों को कहा कि आपके पास कितने रुपए थे, आपके पास कितने रुपए थे, कि आपके पास अभी मान लो 11 रुपए हैं,
अभी आपके पास 11 रुपये हैं, ध्यान से समझना, आपके पास अभी 11 रुपये हैं। पहले आपके पास कितने रुपए थे कि उसका 10% जोड़ने पर, उसका 10% जोड़ने पर ये 11 बन गया, बताओ, बताइए बताइए बताइए, आपके पास पहले कितने रुपए थे कि इसका उस वैल्यू का, जो आपके पास पैसे थे ना, उसका 10% जोड़ने पर आपके पास ये 11 बन गए। तो क्या वो पैसे आपके 11 से ज़्यादा आ जाएंगे? क्या वो आपके पैसे 11 से ज़्यादा आ जाएंगे? कमेंट करो, क्या वो आपके पैसे 11 से ज़्यादा आ जाएंगे? कमेंट करो, पॉसिबल है क्या कि 11 से ज़्यादा आ जाएंगे? नहीं ना, वो कैसे हो सकता है सर? तो यही तो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी मतलब 11 रुपये बन गए, यानी ऑब्वियसली बात है इसमें कुछ आपने जोड़ा, यानी पहले की वैल्यू, पहले आपके पास जो पहले थे, पहले जो वैल्यू थी ना, पहले आपके जो पास रुपए थे, पहले रुपए प्लस इसमें कुछ जोड़ा आपने, प्लस इसमें आपने 10% जोड़ा, यस और नो, किसका? पहले वाले का। तो जरा गौर करो, 10% की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे 1/10, यस। तो पहले आपके पास मैंने मान लिया कि 10 रुपए थे, 10 का 1% होता है 11, तो एक बात बताओ, 10 का 1% होता है 1, अब इस 10% होता है 1, यानी ये वैल्यू आपने जोड़ी तब ये जाके 11 बना, यस और नो, 11 रुपये बना। और इसके हमारे अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन में भी यही दे रखा है कि आपके पास 11 रुपये बनेंगे, यस। तो 1 रुपये की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 रुपये। हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है तो बस भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 1, वहीं आ रहे 10 रुपीज। अगर मैं यहाँ कह देता कि मान लो 20% बोल दो, मैं कह दूँ 20% था, फिर क्या कहोगे? कितने रुपए थे पहले बताओ? अगर मैं कह दूँ 20% था, मान लो कि आपके पास 11 रुपये हो जाते हैं और आपने, अब आपके पास जितने रुपए थे उसका 20% जोड़ दिया जिससे आपके पास 11 रुपये हो गए, बताओ पहले कितने रुपए थे? बताओ, डेली का टाइमिंग यही है बच्चे, 6 नहीं आ रहा, देखो समझना, ये बताओ पहले मेरे को 50% की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे 1/2, यही होती है, यस और नो, ध्यान से समझना, 50% की वैल्यू होती है 1/2, यस और नो, यस। अब मेरे को इस बात का जवाब दे दो, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या इस 2 का 50%, इस 2 का 50% कितना होगा? आप कहोगे 1, यस और नो, आप कहोगे 2 का 50% जो होगा वो होता है 1, यानी 2 का आधा, 50% का मतलब हम कह सकते हैं कि आधा, यस और नो। तो 2 का 50% कितना होता है? 1। और क्या मैं कह दूं वो 1 ऊपर लिखा हुआ है? इट मींस ये कह सकते हैं क्या सर, जो परसेंटेज का रिजल्ट होता है वो ऊपर होता है, परसेंटेज का रिजल्ट, कोई भी नंबर ले लो आप, 2 50 ही नहीं, मैं कह दूं आपको 25%, 25% की वैल्यू हम क्या कहते हैं? 1/4। तो बच्चे 4 का 25% कितना होता है? आप बताओ मेरे को सर, 4 का 25% 1 होता है, क्या आपको 1 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, ऊपर ही ऊपर दिख रहा है हमें, तो यही तो रिजल्ट है, बात समझ में आ रही है, यही तो हमारा रिजल्ट है, परसेंटेज रिजल्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने घुमा के लिख दिया, हम मैंने इसको घुमा के बना दिया, क्या बना दिया? मैंने आप लोगों को कहा कोई नंबर है, ध्यान से समझना, कोई नंबर है उसका 50% उसी नंबर में, ध्यान से समझना, कोई नंबर है उसका 50% उसी में जोड़ने पर, उसका 50% उसी में जोड़ने पर वो 4 बन जाता है, वो 4 बन जाता है। तो बताओ वो नंबर था कितना? वो नंबर पहले था कितना? बात समझ में आ गई? मैंने बोला आप लोगों को कि सर, मैंने आप लोगों को एक बात बोली कि किसी नंबर में उसी का, उसी नंबर का जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूं, यस और नो, 75% हुआ, तो बच्चे 75% यानी 3/4, बच्चे 75% की वैल्यू कितनी होती है? 3/4, यस और नो, कमेंट करो। तो 4 का 75% कितना होता है बच्चे? 4 का 75% जब कमेंट कर दो, 4 का 75% कितना होता है? 75% सर, 4 का 75%, देखो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ सर, 3 होता है, ऊपर ही तो लिखा हुआ है, अरे 4 75% का मतलब 3 हिस्से, क्या 3 हिस्से ऊपर है क्या? बिल्कुल है सर, बात समझ में आ गई, क्या मेरी बात समझ में आ गई, यस और नो? आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन से अच्छे समझ में आएगा। अब इस संख्या को देखना, मैंने क्या बोला इस क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि आपके पास कोई नंबर था, आपके पास कोई नंबर था, उस नंबर का 11 सही 1/9%, उस नंबर का यानी कोई भी नंबर मान लो, उस नंबर का 11 सही 1/9% जोड़ने पर वो नंबर 900 बन जाता है। तो क्या वो नंबर 900 से ज्यादा थोड़ी था?
कॉमन सेंस की बात है सर, वो 900 से ज्यादा थोड़ी था वो नंबर, कि उसी नंबर में सर 11 से 9, अगर 900 ही था और उसका 11 से 1/9% जोड़ने पर वो 900 ही रहता है, हाउ इट इज पॉसिबल? बात समझ में आ रही है? क्या पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली अगर आपने उसको नंबर उस न, क्या नाम उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। आगे बात समझ में, कि सर कोई नंबर आप बता रहे हो हजार, बता रहे हो कि सर वो नंबर हजार था, हजार में उसका 11 से 1/9% जोड़ोगे तो वो तो 11 से 1/9% जोड़ोगे तो कैसे पॉसिबल है कि वो 900 हो जाए? नहीं हो सकता ना। देखो समझो, 11 से 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 1/9। यस 1/9 होती है। अब इस 9 का 11/1/3 9% का कितना होगा? आप कहोगे सर 1 होगा, क्या ऊपर लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, हमें हमेशा यही मानना है कि वो नंबर जो है ना, जो हमसे बोला जा रहा है वो नंबर यही है। हमने इसको मान लिया कि वो नंबर 9 ही था। अब 9 का इसी, देखो मैंने क्या बोला, इस 9 का 11 से 1/9% यानी कितना, 1 इसी में जोड़ने पर, यानी मेरे को 1 जोड़ने पर, यहाँ पे हमारे पास तो 10 होते हैं लेकिन क्वेश्चन में हमें 900 दे रखा है। मैं कह दूं क्या कि 10 यूनिट के बराबर सर ये कह रहा है 900, तो 1 यूनिट के बराबर आप कहोगे सर 90। हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है वो नंबर बताओ, हमने तो 9 माने थे, तो सर 9 × 90 तो 810 आंसर आ गया। समझ में, क्या बात समझ में आ गई सभी को? क्या सबको समझ में आ गई? यस और नो, यस और नो कमेंट कर दीजिए फटाफट, यस और नो, क्या सबको क्लियर हो गया? कमेंट फास्ट, बढ़े आगे, यस और नो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, चलो करो इसको, इस वाले को करो, चलो मैं करवा देता हूँ, चलो इसको तो कर ही दोगे, ये तो वही क्वेश्चन है, पीछे और इस वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, इस वाले में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, करो फटाफट आंसर दो इसका, आंसर दो फटाफट। आंसर 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 नहीं आया बच्चे, 56 यही, बिल्कुल सही है सचिन जी, बहुत बढ़िया है ना। बच्चे गलत क्यों दे रहे हो आंसर? देखो इधर गौर करो, इधर गौर करो, इधर क्वेश्चन पे आओ, गलत है सभी का आंसर, सभी का आंसर गलत आ रहा है। हाँ गलत है, गौर करना बच्चे, 157/1/6%। अब इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमें फ्रैक्शन में कैसे बदलें? अरे याद करो, 157/1/7% को क्या मैं लिख सकता हूँ क्या सर? 100% प्लस 57/1/7%, यस 100% की वैल्यू होती है 1, और 57 11/7 आएगा 157/1/7 का, समझा दो सर। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बता देंगे। तो मेरी बात का पॉइंट में आ रहा है बच्चे, कैसे पॉसिबल है, कहाँ खो रहे हो तुम लोग, कहाँ खो रहे हो भाई? मैंने क्या बोला कि वन, अगर 157 की फ्रैक्शन आपको नहीं निकालनी आती तो उसको टुकड़े में तोड़ लो, तो टुकड़ों में तोड़ लोगे तो मेरे को एक बात बताओ, टुकड़ों में तोड़ लोगे तो 57/1/7%, सोचो जरा, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, क्या मैं कह सकता हूँ क्या? याद करो ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, याद करो याद करो याद करो, 57/1/7% मैंने याद करने को कहा था, अगर नहीं याद है तो याद करो, ये किसको मल्टीप्लाई करने से 57/3% बन जाएगा, याद करो, सोचो सोचो, बताओ बताओ, बिल्कुल 14:2/7%। तो एक बात बताओ, 14:7% को कितने से मल्टीप्लाई करूं, कितने से मल्टीप्लाई करूं कि वो क्या नाम 57/1/7% हो जाए? याद करो 14:2/7% की वैल्यू क्या थी, याद है क्या? 14:2/7% की वैल्यू क्या थी, याद है क्या? याद करो, याद है कि नहीं सर? 1/7 थी, यस 1/7 थी क्या, याद है? तो 1/7 की वैल्यू जब आपको पता है, 1/7 की वैल्यू क्या है बच्चे? 14:2/7%। तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि सर ये 57 के पास चला जाए, और इधर भी करना पड़ेगा उतना ही? सर आप कहोगे 4 से करना पड़ेगा, तो
तो सर इधर भी तो आपको 4 से करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, वहीं आ रहे 57/7%। तो ये कितने हो गए सर, मैं कह दूं इधर कि 57/17% की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 4:7, यस और नो, इसको सही लिखेंगे तो कितने आगे बचे, 7 और 4 11/7, तो क्या यहाँ से मेरी वैल्यू निकल के आ गई क्या सर, 11/7, यस और नो कमेंट कर दीजिए, 150/1/7% की वैल्यू निकल के आ गई क्या, 11/7 कमेंट कर दीजिए, यस और नो कमेंट कर दीजिए, यस और नो कमेंट फास्ट, क्या बात समझ में आ गई सभी को, यस। अब मेरे को ये बता दीजिए, अब तो बस क्वेश्चन वही है, इसने क्या बोला, 64 जोड़ने पर किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, एक बात बताओ मुझे, ये नंबर हमने मान लिया कि माना वो नंबर 7 था, 7 में मैं कितना जोड़ूंगा, 7 में मैं कितना जोड़ूंगा, 7 का पहले तो ये बताओ कि 157/% कितना होता है, ये बताओ पहले तो 157/% कितना होता है 7 का, आप कहोगे सर 11 होता है, ये रहा ऊपर, यस और नो, तो 7 से ये 11 बना, देखो इसने इस बार क्वेश्चन को चेंज कर दिया, इसने क्या कहा किसी संख्या में 54 जोड़ने पर वो अपने आप का 150/17% बन जाता है, अपने आप का वापस से रिपीट कर रहा हूं, देख लो इधर ध्यान से देखना एक बार, इधर मैंने आप लोगों को कहा कि सर इसने क्या बोला, इस बार ध्यान से समझना, इसने ये कहा कि 157/% की वैल्यू हमारे पास 11/7 हो गई, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि किसी संख्या में, यानी कोई नंबर था, फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने x था, यस, अब x में 64 जोड़ने पर कितना बचे, 150/7% हो जाएगा अपने आप, यानी x का 157/1% हो जाएगा। तो भाई एक बात बताओ मेरे को, वो नंबर हम मान लेते हैं 7 है, यस, वो नंबर हम मान लेते हैं 7 है, तो 7 का 157/1% कितना होता है, 11 होगा, कमेंट करो यस और नो, जल्दी से फटाफट जवाब दे दो मेरे को, यस और नो, क्या वो 11 हो जाएगा, यस और नो, जल्दी बोलो फटाफट, यस और नो, कि 7 का 157, यानी हमने x की जगह क्या मान लिया, इस बार हमने x की जगह मान लिया कि वो नंबर 7 है, हम यही तो कर रहे हैं कि ये ओरिजिनल नंबर है, यानी ये वही नंबर है जिसमें 64 जोड़ने पर ये अपने आप का 157/1% हो जाता है। तो 7 का 157/1% ऊपर लिखा हुआ है ना, तो साथ में मैंने कितना जोड़ूं कि सर वो 11 बन जाए, यस और नो बताओ मेरे को, साथ में मैं कितना जोड़ूं बच्चे कि वो 11 बन जाए, समझ रहे हो। अब 11 क्यों बन जाए सर, क्योंकि सर 7 का 157/1% 11 बन जाएगा, यानी अपने आप का 7 अपने आप का 157 सही है, 7% बन जाएगा। तो मैं कह दूं क्या सर इसमें 4 जोड़ने पड़ेंगे, यस और नो, हमारे अकॉर्डिंग तो 4 जोड़ने पड़ेंगे, क्वेश्चन में इसने कहा कि सर 64 जोड़ेंगे, तो लो 4 के बराबर 64, 1 के बराबर 16, तो आपको पूछा गया कि वो नंबर कितना था, हमने 7 माना था, तो 7 × 16 = 112 आंसर, बात खत्म। क्वेश्चन की लाइन को समझो, एक एक लाइन को समझो, क्या कह रहा है कि सर इनमें और इनमें, देखो दोनों में फर्क समझना, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में फर्क समझना, दोनों में फर्क समझना, पहले तो इसको ध्यान से देखो क्या कह रहा है, आपको बोला गया कोई संख्या है, यस, कोई संख्या x, अब उसमें 64 जोड़ने पर वो अपने आप का, यानी x अपने आप का 157/7% हो जाता है, और हमने वो x की जगह क्या मान लिया कि वो संख्या क्या थी सर, 7 थी, अब 7 का 157/7% 11 बन जाएगा कब, 64 जोड़ने पर, और हमारे यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ रहा है सर, हमारे यहाँ तो 4 जोड़ने पड़ रहे हैं, क्वेश्चन में इसने 64 जोड़ने के लिए कहा था, तो 4 के बराबर 64 है, आ गई बात समझ में, नहीं 7+1 नहीं आएगा बच्चे, गलत तरीका मत अपनाओ, आ गई बात समझ में, यस कमेंट कर दीजिए क्या सभी को समझ में आ गया, यस और नो, 112 आंसर होगा, बिल्कुल 112 आंसर होगा बच्चे, क्या सभी को समझ में आ गया सर, फर्क क्या है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में लैंग्वेज का, देखो गौर करो, इसमें क्या बोला था कि सर किसी संख्या को, यदि किसी संख्या के उसी का 11 से 1/9, यानी कोई संख्या है उसका 11 1/9, यानी ऊपर जो रिजल्ट लिखा वो जोड़ने पर, और यहां इसमें फर्क क्या है, यहां इसने डायरेक्ट कह दिया कि 64 जोड़ने पर ये जो ऊपर जो रिजल्ट दिख रहा है आपको वो बन जाता है कब, 64 जोड़ने पर, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 4 ही जोड़ना है, यस और नो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th वाले का आंसर दो, चलो इस वाले का आंसर दे दो, चलो
इस वाले का आंसर दे दो, फिफ्थ वाले का। रेगुलर अपना यही टाइम है बच्चे। सर प्लीज रिपीट एंड कंपेयर विद प्रीवियस क्वेश्चन। ओके डेफिनेटली बच्चे, डेफिनेटली, डोंट वरी, इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ रहे हो आप, क्वेश्चन को समझो कि क्या कहना चाह रहा है वो। उस क्वेश्चन में ये कहा था कि कोई नंबर है, ध्यान समझना, कोई नंबर है, उस नंबर का 10% मान लो, 20% मान लो, 30% उसी में जोड़ देते हैं तो वो इतना इतना बन जाता है। और इसमें क्या कहा कि कोई नंबर है उसमें 64 या 70 या 500, 200, 600 जोड़ने पर यह नंबर अपने आप का, इस बार इसने रिजल्ट नहीं दिया आपको, इस बार इसने आपको रिजल्ट नहीं दिया, इसने आपको परसेंटेज में वैल्यू दे दी कि सर ये इतना बन जाता है, ये इतना बन जाता है। इसका आंसर दे दो, फटाफट से आंसर दे दो इसका, जल्दी से फटाफट से आंसर दो इसका, जल्दी जल्दी आंसर दो। सत्ताईस सौ, ओके बच्चे 2700 आएंगे, देखते हैं, लेट्स सी। सचिन जी का आंसर है 2700, बहुत बढ़िया बच्चे। बच्चे परसेंटेज का एक बात बताओ, क्या मैं 444 सही 4/9% को क्या लिख सकता हूं मैं, याद करो, क्या मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़ लूं? सर 400% और सर 44 सही 4/9%, कमेंट कर दो, 400% की वैल्यू आ गई, 4 और 44 सही 4/9, याद करो याद करो याद करो, दिमाग पे जोर डालो, क्या है क्या है क्या है, याद करो, क्या ये दिख रहा है 11 सही 1/9 की वैल्यू? क्या मैं कह दूं कि सर 11 सही 1/9 की वैल्यू होती है 1/9, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से, तो कितने हो जाएंगे 44 सही 4/9 हो गए क्या, तो सर इधर भी 4 से करना पड़ेगा, तो 4/9 आ गई क्या 44 से 4/9, तो देखो 9 × 36 यानी 40/9 आ गया क्या, कमेंट कर दो क्या 40/9 आ गया, यस सर मेरा सही है क्या, बिल्कुल सही है बच्चे, नहीं गलत है बच्चे, गलत है गलत है गलत है गलत है बच्चे, गलत है गलत है बच्चे, गलत है। चलो मैं करवाता हूँ, गौर करना इधर, देखो पहले ये बताओ 4/9% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये बताओ पहले तो मेरे को, 4/9 की वैल्यू है हमारे पास सर 40/9, यस हमारे पास है 40/9, दिख तो रहा है ना सभी को, अच्छा ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये नंबर है ना आपके पास 9, इसमें इसमें 930 जोड़ दिया जाता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 930 जोड़ दिया जाता है, तो ये अपने आप पर 450 यानी 444 से 4/9% बन जाता है। और जरा गौर करो इधर, 9 का 444 सही 4/9% कितना होता है, पहले तो ये छोटी छोटी बातों का जवाब दो मुझे, पहले ये बताओ 9 का 444 सही 4/9% कितना होता है, जल्दी से जवाब दो कितना होता है, कमेंट करो कितना होता है बच्चे, ये इस बात का जवाब दो मुझे, पहले तो इस बात का जवाब दो कितना होता है, कमेंट करो 9 का 444 सही 4/9% कितना होगा। अरे बच्चे साफ साफ दिख रहा है, ऊपर टॉप पे नहीं दिख रहा सर, 40 होगा, यस और नो, तो 9 से 40 कब बन जाएगा, 9 से 40 बनाने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, सर 9 से 40 बनाने के लिए आपको 31 जोड़ना पड़ेगा, हमें 31 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया 930, ये लो सर, तो एक की वैल्यू बच्चे, एक की वैल्यू 30 आ गई, हमें पूछा गया क्या, हमें क्या कहा गया बताओ मेरे को, हमें क्या कहा गया सर, 9 क्या नाम है वो नंबर बता दो, वो नंबर हमने माना क्या था 9, तो 9 × 30 270 आंसर, बस डेट्स इट, आ गया समझ में अब तो, अरे अब तो आ गया क्या, यस और नो, यस और नो कमेंट कीजिए, यस और नो, यस 270 इज द राइट आंसर बच्चे, 270 इज द राइट आंसर, 270 इज द राइट आंसर, 31 यूनिट के बराबर, 31 यूनिट की वैल्यू थी हमारे पास 930, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 30, तो 9 × 30 इज इक्वल टू 270, क्यों, क्योंकि 9 हमने वो नंबर माना था, और जबकि हमारे पास निकल के गया 30,
उसकी वैल्यू। यस आई होप सबको समझ में आ गया होगा, यस और नो। चलिए तो सेशन आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्लस क्लासेस रहती है। अच्छा, जो भी बच्चा मेरी फ्री क्लासेस अटेंड करना चाहता है, क्वांट प्लस रीजनिंग बोथ क्लास का मॉक टेस्ट होता है आज रात को 10 बजे, 10 PM, 10 PM आप अटेंड कर सकते हैं बच्चे, 10 PM आप अटेंड कर सकते हैं, 10 PM होगा। ओके, फ्री क्लास होगी अपनी, फ्री क्लास है सभी के लिए, फ्री क्लास जिसमें क्वांट प्लस रीजनिंग मॉक टेस्ट होगा आपका, 35 क्वेश्चन इसके लिए, जितने भी अपकमिंग बैंक के एग्जाम है, ठीक है। 10 बजे होगा, आप 10 PM, ओके, फ्री है सबके लिए। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास भी होगा, लिंक मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपसे अनलॉक कोड मांगेगा, अनलॉक कोड, अनलॉक कोड में आपको यूज लेना है, कैपिटल लेटर में, याद रखना कैपिटल लेटर में, अनलॉक कोड आपको यूज में लेना है कैपिटल लेटर में, RJ10 कैपिटल लेटर में, ओके। ये सभी के लिए फ्री है बच्चे, सभी के लिए फ्री है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो भी आप अनलॉक कोड में RJ10 यूज कर सकते हैं, RJ10, ओके, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। चलो, सो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करेंगे, आई होप सेशन पसंद आएगा तो शेयर कर देना। सो बाय बाय, टेक केयर, 6 PM अपना यहीं रहेगा। सर डेली, बिल्कुल सर डेली इसी बच्चे रहता है बच्चे, सर पिछले क्लास का वीडियो, आप चिंता मत कीजिए, यहीं से मिलेंगे, सारे क्लास रेगुलर यहीं पे होगी बच्चे, 6 PM।